मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे की शादी से मैं गया था, कल उनके घर में कोई फंक्शन होगा मैं भी जाऊंगा, मुख्यमंत्री जाएंगे, सामाजिक हम किसी से बंदे भी मजदूर थोड़े ही हैं। देखिए नेता जी के तो सब गए, मुलायम सिंह की शादी थी, हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, कोई ये बात थोड़ी है। आपस में सामाजिक संबंध अलग चीज़ है, राजनीति में आप कोई किसी के खिलाफ लड़े कोई अलग चीज़ है। वो धनखड़ जी से पूछे साहब सिटी में 0 पे 99 पे है। सर अभी बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं, वो तो कह रहे हैं कि उनके 3 साल का जो टर्म होता है वो उसकी वजह से, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बदले, धनखड़ जी अभय सिंह चौटाला के पारिवारिक कार्यक्रम में चले गए, इसको कहीं राजनीति से देखते हैं? देखिए सामाजिक और राजनीतिक चीज़ें अलग अलग हैं। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे की शादी थी मैं गया था, कल उनके घर में कोई फंक्शन होगा मैं भी जाऊंगा, मुख्यमंत्री जाएंगे, सामाजिक हम किसी से बंदे भी मजदूर थोड़े ही हैं। देखिए सामाजिक व्यवस्था पहले आती है, राजनीतिक बाद में आते, कई देशों में राजनीति है ही नहीं, सामाजिक व्यवस्था तो हर जगह है। अगर कोई ट्राइबल रह रहे हैं उनमें भी सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था सबसे बड़ा आधार होता है इंसानियत। नहीं कोई किसी के जाए शादी में, देखिए जब इनके यहाँ शादी थी इंदिरा जी के तो सब गए, मुलायम सिंह की शादी थी, हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, कोई ये बात थोड़ी है। आपस में सामाजिक संबंध अलग चीज़ है, राजनीति में आप कोई किसी के खिलाफ लड़े कोई अलग चीज़ है। धनखड़ जी ने ये भी कहा है सांप सीढ़ी का खेल है, सांप सीढ़ी का खेल है राजनीति। कौन कहते हैं? धनखड़ जी जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी। वो धनखड़ जी से पूछे सांप सीढ़ी में 0 पे 99 पे है, 0 पे 99। इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनकी अपनी बात है, हमारे मित्र हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब मुझे पूछ लो जो पूछना चाहो, आप तीखे से तीखा सवाल पूछो। मैं आपको दावा तो कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं सर सरकार बनाने का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हालांकि अनिल ने भी सीधे सीधे वार्निंग दे रहे हैं कि उनके लिए मैंने जेल में कमरा तैयार कर रखा है। देखिए ऐसा है, मेरा अपना मानना है, कल एक आदमी मजाक में कह रहा था, कहते जो चुनाव परिणाम आएंगे और उसमें ये होगा, फैसला हो जाएगा कि शैलजा जी को नेता बना दिया और वो धनखड़ जी दिल्ली जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं उतरे ने, उधर कहते हैं ये समाचार आ जाएगा कि मनोहर लाल जी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा राजभवन में पहले मेजोरिटी MLA को लेके पेश हो गए। तो ये तो कहानियाँ हैं, ये तो चंदा मामा की कहानी है, इन बातों में क्या रखें। तो लोग तय करेंगे, लोगों ने मैंडेट देना है, किसको बनाएंगे नहीं बनाएंगे अभी अनआंसर्ड क्वेश्चन है। पहले तो पार्लियामेंट है, मैं वैसे आपसे बता दूं पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद एक जो है ना हड़कंप मचेगा, जो बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं ना 20% वोटर जो देखते हैं क्या करेंगे, देखते हैं अभी पार्लियामेंट देखते हैं, आप भी आप में भी कई लोग हैं जो पार्लियामेंट के रिजल्ट का देख रहे हैं, खबरें उसके बाद चलाएंगे, तो वो लोग जो है ना एकदम जिधर बैलेंस बनता उधर। मैं 2014 की बात बता रहा हूँ, हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के 4 MLA थे, केवल 4, और जब लोकसभा के रिजल्ट आए उसके 4 महीने बाद जब विधानसभा के चुनाव 447 चली गई, तो यूं शूटअप होता है, मैसेज आता है पार्लियामेंट के बाद लोग स्टेबिलिटी के वोट देंगे, 5 साल चलने वाली सरकार के वोट देंगे।